बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कदरमन दा चीज़ द चा कोर्ता रालमा दा आदिल अली शाह और तासु बे क्लिप कतली जी पर फेसबुक बांधे पर सोशल मीडिया बांधे चेदे पे खबर टूल प्लाजा सर यो गाड़ी डेर पर तेज़ रफ्तारे सर रागे और यो मोटरवे यो एहलकार डेर पर बेदर्दे सरू वो चत्ते को औरजो आगे उस दे अख्तर खौशारो जके पहाक बांधे और अस्पताल के प्रोतो मरगुनी हालत हो पहाक और से ज़्यादा कोर्ता रागल दा द मोटरवे पुलिस एहलकार और दा शिवी दी सिनी दी दा कोरने अबरज पेखौर प्रेस क्लब तहम तले दा और से एहतजाज रिकॉर्ड करे दे नो दगा सिलसिला के कदरमों जरा लमा और दिल तक दागी मोरा केशता वाले से गालिबन भाकरा से दे दगा शहीद च दे नो उस स्वाद कड़े यो जुए दे खजा खो पैदत ना सरा और जो ददी द फैमिली च कम गड़ी दी सर खबर को मोरा केसर बे खबर को लग साथ के मुंह सर हो मेरा शहजादा अफान। और ये क्या पहना हुआ है आपने? तवीज़। तवीज़ है? किस लिए तवीज़ पहनी हुई है? ऐसे ही। ऐसे पहना हुआ है? अच्छा। और अब्बू कहाँ गए? बाबा कहते हैं। बाबा कहाँ हैं? बताओ बाबा किधर हैं? नहीं। बाबा कहाँ गए? नहीं। ये पूछ के मुझे मौत पड़ती है। ऐसे बच्चे से पूछना कि तेरा बाबा कहाँ गए, खुदा की कसम मुझे मौत पड़ती है। कदर मनो माता सुतसिंगा लक्षात मख की खबर कोला चे आदिल अली शाह द पुलिस द डिपार्टमेंट कांस्टेबल यो गाड़ी रागो दे तेजे सर हेड कर और वी देखी कि दा दोहिस्तम रमजानो चे हेड शो और कदरिश्तम शपावा और बिया दा 29 रात माने चे कम देनो दा बिया पा हक माने और से द अख्तर ने और जनी मख के बहरहाल दा वक्त मोरम नास्तरा दसरम खबरकुम बोलो रे हम नासी शर्म खबर तरकुम। अस्सलाम वालेकुम माजी, कैसी हैं? ये ठीक है जी। कदरमनो आदिल अली शाह दा सलूरुनु आदिल खुदे पहाक से दाबलूर तास्तबाकारी जी दे हम दे दय मशरे रोड दे दय मशरे रोड दे और दा हम माजूरा दे आदिल द सलूर कालू दाजवेर चुसु सलमा खबर कोली नो खफा हम देर जात बली योजी वागा भाग रसी दरे बस उस खजला हो पैदत ना असरा और दा वक्त जरदी कोर्थ रालम 202 खबर को माँ जी। पहले तो आपके लिए मैं दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत करे कि आपको सब्र हो, लेकिन जो हुआ सब अल्लाह की तरफ से है। मुझे थोड़ा बताइएगा कि ये पोर्टवे डिपार्टमेंट का बंदा था, तो ये जिस बंदे ने इसको मारा वो अब कहाँ पे है और अभी जो सिलसिला है वो क्या है? थोड़ी सी मुझे सूरदाल का थोड़ा सा बता दें। तो जेल में वो तो उसने मेरे बेटे को ऐसा मारा, उसका क्या कसूर था? और रोज़ा था उसके मुंह में। 6 बजे अफ्तियारी घर में आता था लेने, उस दिन 6 बज के वो घर में नहीं आया। हम उसका इंतज़ार कर रहे थे, 6:10 हो गए। मैंने कहा आज अभी तक आदिल अफ्तियारी लेने नहीं आया। थोड़ी देर बाद फ़ोन आ गया आदिल का एक्सीडेंट हो गया वो उसमें अस्पताल में। हमने कहा शायद छोटी मोटी चोट लगी होगी, ये मेरा बेटा भी नहीं था घर में, जिसको हमने अभी फ़ोन करा। मैंने कहा जो आदिल भाई का एक्सीडेंट हुआ है वो अस्पताल पहुँचो। हम भी रोज़े के बाद निकल के गए तो वो जब उसको मैंने देखा वही मेरा दिल निकल गया कि उसका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था। वो तो बेहाल पड़ा हुआ था, लगता था उसके अंदर सांस भी नहीं है। छोटी बहन अंदर घुसी है, वो उसको देख के चीखे मार के रोने लगी कि ये कैसा एक्सीडेंट हुआ। हम तो समझ रहे थे छोटा मोटा हुआ होगा। अब बताओ उसका क्या कसूर था? जो गाड़ी वाले ने उसे मारा और उसको ऊपर ही पहुँचा दिया, उसने तो हमारा घर उजाड़ दिया, उसने तो जो घर को उजाड़ दिया, ख़त्म कर दिया। उसके दम से हमारा घर चल रहा था। ये हमारा घर की जिम्मेदारी उस पर थी। बाप फौत हुए तो वो उसी की जिम्मेदारी थी इस घर के ऊपर, और अब तो उसको भी अल्लाह ताला ने ले लिया। हम क्या करेंगे अब? पीछे साधन वो कोमा में ही रहा जी, वो होश नहीं आया था उसे जी। आप जाती रही हैं उसके पास? बस वो जो भी जाते थे आईसीयू में छोड़ते नहीं थे। एक बार देखा तो उसे, फिर दोबारा शायद उस दिन गए जिस दिन उसका इंतकाल होना था। उस दिन मैं और उसकी बीवी गए, हमें तो नहीं पता था कि अब ये घर में सही होके ही नहीं आएगा। देखकर आ गए, हमने कहा सर सांस तो चल ही रही है, लेकिन वो ख़त्म हो रहा हुआ था। घर आए, रोज़े के फौरी बात पता इतला मिल गई कि वो अदील अब नहीं रहा इस दुनिया में। उसने अच्छा सब मेरे बेटे को ऐसा मारा गाड़ी वाले ने, तो घर सब लेके वही चल रहा था, 5 घर और लेके चल रहा था वो अपने चचों के साथ। जिम्मेदारी है, ये उसका बड़ा भाई है, ये भी इसका बिल नहीं था, बस वही था इसका। 4 साल बेटा है अफान, बस ये बस 4 साल एक बेटा है। तो अपने बाबा को याद कर रहे हैं, मतलब ये उस दिन भी याद कर रहा था। सोते सोते उठ गया, रोने लगा कि मैं बाबा मुझे पिज़्ज़ा दिला के रहते थे रात को। वो जिस टाइम जिद करता था उसी टाइम ले जाता था बाहर। अभी उस दिन भी रो रहा था कि मैंने बाइक पर जाना है। अब वो तो छोटा सा बच्चा है, वो भी बिन बाप का रह गया। उसकी बेबी जवान जहाँ है, घर तो उसने उजाड़ दिया ना, हमारा घर तो उसने ख़त्म कर दिया। अच्छा, ये जो खातून है ये मेरी बहन है। अच्छा, उसकी खाला है अदील की। अच्छा, आप कुछ कहेंगे? जी, मैं अदील की खाला हूँ। ये जो कुछ भी हुआ बहुत बहुत बुरा हुआ है। मेरा भांजा खुद घर का खुद कफील था। मेरे बहनोई के बाद मेरा भांजा ही घर को संभाले हुए था। क्या कसूर था अदील का? हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि उस शख्स ने ऐसा क्यों किया? किसी का बेटा ख़त्म कर दिया, किसी का सुहाग ख़त्म कर दिया, किसी का बाप ख़त्म कर दिया। हमें इंसाफ चाहिए। आपको इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है? अभी मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे इस बारे में। लेकिन हमें दुख ये है कि वो बच्चा जो था घर का खुद कफील था, और माशाल्लाह उसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। बहुत बहुत नाइस बच्चा था वो। लेकिन बस उसके बच्चे को देखते तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि वो बच्चा मासूम, उसको तो यही नहीं पता उसका बाप अब कहाँ चला गया, उसकी दुनिया ख़त्म हो गई है। ये मेरी बहन है, लेकिन हमें दुख है कि अब इनका क्या होगा। वो घर का खुद कफील था, इन जालिमों ने ऐसा किया। हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ इंशाल्लाह ज़रूर होगा। दा वक्त ज़रूर हम ना सीधे ख़बर तरीक़ों थोड़ा आपसे मैं बात करूँगा। ये बताएं कि ये प्रेस क्लब भी आपकी फैमिली गई थी, तो वो प्रेस क्लब के सिलसिले में गए थे आप? अपने भाई के लिए एहतजाज के लिए गए थे कि इंसाफ उसको मिले हमें, बस जल्द से जल्द हमें इंसाफ चाहिए अपने भाई के लिए, और उसको फांसी की सज़ा से कम होनी चाहिए ताकि हमें इंसाफ मिल जाए। मेरी माँ देखो वही कमाने वाला था उसका, मैं बड़ा भाई हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। उसने मेरी कमर तोड़ कसम से, छोटा भाई था मेरे। लेकिन पुलिस जो मोटरवे डिपार्टमेंट है, सिलसिले में आपकी तो मदद कर रहा हूँ? सबकी मदद करता था, सब करते हैं, लेकिन बस मोटरवे डिपार्टमेंट है, इसके जो आला अफसरान हैं वो आपके घर आए होंगे, यकीनन आते हैं, रोज़ाना आते हैं, तो आपकी मदद कर रहे होंगे, कानूनी भी आपको करते हैं। हाँ, आते हैं, रोज़ाना आते हैं। बस बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह इंसाफ दिलाएंगे हैं। बस बेगम मुझे यहाँ हमें तसल्ली देते हैं, रोज़ाना आते हैं, दिन रात आते रहते हैं, चक्कर मारते रहते हैं। बस छोटा भतीजा मेरा 4 साल का, वो हर रोज़ाना अपने बाबा को याद करता है। उसके लिए क्या करते हो आप सब? बस प्यार करते हैं ना, बस कभी कोई जिद कर दे, रात के टाइम ये ले दो, मोटरसाइकिल पे बाइक पे इसको छोड़ा देते हैं चक्कर मारने। बस बहुत जिद करता है, लेकिन क्या बाबा तो नहीं आएगा ना उसका। जो बीवी है भी, हाँ, वो बोल सदमे में ऊपर अभी। अच्छा। इद्दत में बैठी हैं। तो वो क्या वो बोलती रहती है, क्या आपसे वो शेयर करती है? फिलहाल तो हम तो सामने नहीं आ सकते, वो इंसाफ मांगते हैं, बस हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, शहीद पैकेज के लिए आप लोगों ने कहा तो है, बाकी बस हुकूमत का काम है। अब घर का कफील सब कुछ करने वाला अदील अली शाहिद पहले, हाँ वो तो मैम ज़्यादा वो था, मैं भी था, लेकिन ज़्यादा वो करता था, उसका ही था वो। क्या फ़नी आदमी था, बड़ा अखलाकी आदमी था, गपशप लगाने वाले आदमी, सब बिल्कुल क्वालिटी थी। फ़नी भी था, गपशप वाला भी था, ताल्लुकात भी था, सब कुछ था। बस हर किसी चीज़ जान करता था, सब बाहर दोस्तों में, अपने डिपार्टमेंट में, सब पूरे ख़ानदान में, फैमिली में, सब अच्छा नाइस बंदा था, सारे तारीफ होते थे। क्या खूबसूरत आदमी था यार वो भी। हाँ, आ जाए, आपसे ज़रा बात करनी है। दा ओबल रोड दे और दा अदील अली चिकम कम मोबाइल नगे दे रोड सर दसरम खबर कम उस्ता सुनूम ने हम मुबशर अदील भाई मोबाइल ता सरी बिल्कुल मासरा है अवल वजना हां हां नो सब मैसेजونه पे راځي چې کال وغیرہ پکې مرګونو ته پته شته کال نو سم راځي دا وایي چې کال چې ماته راشي دا نه وایي چې عادل مرشوي د کسنګ ماته وایي چې عادل چرته مطلب دا چې سو خلکو ته پته هم نشته چې عادل مرشوي چې دا ورته زویم چې عادل خود نشته دا خو لاړو او ما غټه بس جړه شروع وي مطلب دا سه یو تعلق دا سه یو نردي تعلق دا خلکو نو ته دا ویل شي چې عادل نشته په دنیا مزا خو بس بدا خو دنیا د نوس به وایو داسې لا ډېر ګران لفظ یو سړی چې تاسو راي ستاروري په دې کور کې راغټ شي یو خازه تور شي دا په وینه کې ناشته هغه خوږی رښتې دي قدرمنو چې د دې لپاره طبيعه دا وی چې دا اوس په دې دنیا کې نشته خو مړ دی دا مړ لفظان له غر دی بار الله تعالی تاسو له صبر درکې او ډېر ګران دا قدرمنو د دې پروګرام په توسط موږ خو د موټروي چې کوم ډپارټمنټ نه اغه ته موږ دا گزارش کوم چې پدې کې د انصاف چې کم تقاضی دي پوره کړی شي روزانه راځي آی جی ڈی آی جی ڈی ایس پی ټول راځي ټول تاون کوي ولی باندې کې دا دغه بچو امید دې ان شاء الله نور مخکې بم کوي سب مطالبه منور شته دا پروګرام بم دا د چې موږ دا درخواست حکومت سره چې دا ټول پدې کم نوم دی ام 1 د دې پزې چې کنده شهید عادل علی شاه په نوم باندې کې دې بس دا موږ ډېر غټم خواهش ته या कम यो चौक दसे कबूतर चौक बांधे नूम की या पुल प्लाजा बांधे की बस दा कदम मुतालबा मेरा डेरा मेरा बनी माजी अल्लाह आपको सब्र दे वो शहीद हो गया और मैं आपको एक बात बताऊं आपकी तसल्ली के लिए कि आपके दिल को थोड़ा सा सुकून मिले कि जब ये सब लोग मर जाए सब लोग जन्नत में बैठे होंगे पूछा जाएगा कि किसको दुनिया में जाने का शौक़ है कि वो चला जाए कहता कोई नहीं चाहेगा कि मैं जाऊं लेकिन शहीद कहेगा कि मैं जाना चाहता हूं दुनिया में दोबारा ताकि मैं फिर शहीद हो जाऊं ये बहुत बड़ा रुतबा है। मुबारक हो आपको कि आपका बेटा शहादत के रुतबे पे फाइज हुआ। मरना तो हम सब नहीं है जी, मरना तो सब नहीं मरना है ना। कोई शहीद के नाम से चला गया कब्र में तो बड़ा खुश नसीब है। मुर्दा खामखा او دړو ټوکړه دا ماغه ماشوم ته قتل ما وی جبه مې د کاغشي خله مې د ماته شي زده ته مې چې ستاده بابا سو دا ډیر ګران کاری قدر مونو خدای راشتي الله دې پچانا واري خبرال درب ذل جلال بس دا د کائنات ته پدې ډیر خپويږي ته پروګرام په توسط د موټر وی پولیس د ډپارټمنټ د اعلی چارواکو نه هم په حکومت کې چې کم ناس کم خلک دی غي ته هم دا زما گزارش ته چې د عادل علی پدې حادثه کې دی पूरा पूरा इंसाफ وشي د فیملی سره او چې کم خلک پدې کې ککړ دي نو چې د هغه سره هم انصاف وشي په دغه شکل کې چې کم قصوروار دي نو پکار دي چې هغه سره د هم داسې اصول کوشي کم سړی چې د بل سړی نه جون دخلي پکار دي چې دا غره دي هم سړی جون واخلي د خبرونه مې سره ترسي د دعا سره چې الله تعالی تاسو له صبر درکې تاسو ټول فیملی له او دعا بکو د دې نه پس پز ما خبرونه سره ترسي دعا د پاره لا سوجد کړه डेरा डेरा मेहरबानी डेरा शुक्रिया अल्लाह आपको सब्र दे बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह अल्लाह दे वाले सब्र वर्क अल्लाह दे वाले सब्र